फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं व्हाई हैदराबाद एयरपोर्ट इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एरिया के हिसाब से, जो 5,500 एकड़ में फैला है। ये देश का फोर्थ बिजनेस्ट एयरपोर्ट है। सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ बनाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए लगे और अब ये देश में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एयरपोर्ट में से एक बन चुका है। फिर भी ये पंक्चुअलिटी में सबसे ऊपर आता है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ये दुनिया का दूसरा बेस्ट एयरपोर्ट भी माना गया है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा। बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक नया टर्मिनल और रनवे भी बनाने के प्रपोजल्स रखे गए हैं। यहाँ तक पहुँचने में सालों लगे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 1930s में जब हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट बना बेगमपेट एयर स्ट्रिप, इसे हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था हैदराबाद के आउटस्कर्ट बेगमपेट में। इधर से निजाम गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज ऑपरेट की जाती थी, जिसमें मिलिट्री और VIP एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। इसी समय हकीमपेट में भी एक एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, जहां पर रॉयल एयरफोर्स अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करने लगा। इसके अलावा हप्सीगुड़ा में एक हैदराबाद स्टेट एयरो क्लब भी बनाया था निजाम के पर्सनल एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन छोटे एरिया में होने की वजह से निजाम ने अपना क्लब बेगमपेट में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद बेगमपेट कुछ साल सिर्फ VIPs और मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल करता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही रॉयल एयरफोर्स ने एयरो क्लब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे फ्लाइंग स्कूल बना दिया। वॉर के लिए एयरफोर्स को और ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ी, जिनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेस चाहिए थी, तो बेगमपेट यहाँ काफी काम आया। फाइटर जेट्स भी इधर से ऑपरेट करते थे, स्पेशली वॉर के एशिया पैसिफिक थिएटर में वेपन्स ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट की मरम्मत करने के लिए भी इस एयरपोर्ट का योगदान रहा। वॉर में एलाइज की विक्ट्री के बाद एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन कम कर दिए और बेगमपेट को कमर्शियल फ्लाइट के लिए खोल दिया गया। 1946 में डेक्कन एयरवेज ने हैदराबाद से अपनी पहली सर्विस स्टार्ट की बैंगलोर तक। डेक्कन एयरवेज एक ज्वाइंट वेंचर होता था तब हैदराबाद के निजाम गवर्नमेंट और टाटा एयरलाइंस के बीच। अगले कुछ सालों में कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक भी सर्विसेज शुरू की। इंडिपेंडेंस और हैदराबाद के लिबरेशन के बाद डेक्कन एयरवेज इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और उसे नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। इसको एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया और इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। पहले बेगमपेट एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज हैंडल करता, लेकिन 1946 में यहां से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई सऊदी अरेबिया तक। 1950 से जो कौन सी जगह चुननी है पास में, उधर से सारी फ्लाइट्स बेगमपेट में शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल था और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में आसानी होती थी। हकीमपेट एयरोड्रोम को सिर्फ मिलिट्री और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे बेगमपेट एयरपोर्ट में हलचल बढ़ने लगी, रनवे और टर्मिनल को एक्सपैंड कर दिया गया। 1960s में नए रूट्स ऐड किए गए बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कोचिन तक। फोकर F-27 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल होता था, जो लगभग 32 पैसेंजर्स को कैरी करता था। बढ़ते पैसेंजर्स को देखते हुए 1972 में एक और टर्मिनल बना दिया गया। पुराने टर्मिनल को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और नए टर्मिनल को इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। नए इंटरनेशनल पैसेंजर्स की वजह से एयरपोर्ट में स्पेस की शॉर्टेज फिर से होने लगी। एप्रन पर पार्क करने की जगह भी कम पड़ने लगी जब एयरक्राफ्ट के साइज बढ़ने लगे। 1980s में बेगमपेट ने 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया और तकरीबन 10 सिटीज तक फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी रेगुलरली। 1990s में एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की जगह नहीं बची, इसलिए एक नए और बड़े एयरपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी हैदराबाद को। एयरपोर्ट के आसपास सिटी स्प्रेड आउट हो गई थी, जो कि पहले एक सबर्ब था। हजारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता एक्सपेंशन के लिए। साथ ही जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी सिटी में, एयरपोर्ट काफी कंजेस्टेड होने लगा। इसलिए तब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए मांगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए खोल दिया जाता तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन जाता। साथ ही अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने में और ट्रेनिंग में एयरफोर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। तो बेगमपेट एयरपोर्ट ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा था सिर्फ एक रनवे के साथ 0927, जो 3230 मीटर लंबा था। 2008 तक यहां से 10 डोमेस्टिक और 13 इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। 60 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल हर साल करते थे, जिससे ये देश का 6th बिजनेस्ट एयरपोर्ट बन चुका था। इसी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए नए एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। दरअसल इसकी प्लानिंग तो 1990s में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लेट 1990s तक आते आते उसकी स्पीड काफी बढ़ गई। 1998 तक स्टेट ने 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया एयरपोर्ट बनाने के लिए, बंगलोर, नादरगुल और शमशाबाद। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली शमशाबाद को चुना गया, क्योंकि ये लोकेशन ज्यादा इजीली एक्सेसिबल था लोगों के लिए। 2 नेशनल हाईवेज NH-44 और NH-765 पास से
गुजरते हैं और एक रेलवे स्टेशन सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। नवंबर 2000 में स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया जिसमें स्टेट और AAI का शेयर 26% होगा और 74% शेयर प्राइवेट कंपनीज का। फिर बिडिंग के थ्रू एक कंसोर्शियम बना गांधी मल्लिकार्जुन राव ग्रुप GMR ग्रुप और मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग बहराड का और उन्हें इस एयरपोर्ट का 74% स्टेक मिला जिसमें से 63% GMR मलेशिया का और 11% मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग का। इन सबको मिला के एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड HIAL इसको मैनेज और 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL। एयरपोर्ट अच्छे से चल सके और प्रॉफिटेबल भी रहे तो इसके लिए 2004 में GHIAL ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एयरपोर्ट को मैनेज और ऑपरेट करने का राइट 30 साल के लिए कंसोर्शियम के पास रहेगा जिसे 30 साल से और एक्सटेंड कर दिया गया अब 22 मार्च 2068। एग्रीमेंट में एक और पॉइंट ये था कि हैदराबाद एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इससे बेगम एयरपोर्ट जो हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट था उसे बंद करना पड़ा। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ मिलिट्री गवर्नमेंट और जनरल एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली हैदराबाद के नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन मार्च 2005 में शुरू हुआ जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। 3 साल बाद 14 मार्च 2008 को इसे बनाकर इनॉग्रेट किया ही जाने लगा था। इसी बीच कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। AAI के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नए एयरपोर्ट के ऑपरेशन से पुराना बेगमपेट एयरपोर्ट बंद किया जा रहा था तो उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट की चिंता थी और साथ में ग्राउंड हैंडलिंग रेट की वजह से एयरलाइंस भी नए एयरपोर्ट से ऑपरेट करने के लिए मना कर रही थी। इसीलिए इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट प्रोटेस्ट की वजह से स्किप हो गई एक हफ्ता जब तक ग्राउंड हैंडलिंग रेट को कम नहीं कर दिया गया। फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से स्पाइस जेट की SG-397 लैंड हुई अहमदाबाद से और दूसरी हुई SG-393 मुंबई से। इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट लुफ्थांसा की LH-753 भी लैंड हुई जो फ्रैंकफर्ट से आ रही थी और इसी से हैदराबाद के नए एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशन के पहले ही घंटे में 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था। इसको बेगमपेट का IATA कोड HYD मिल गया। IATA एयरपोर्ट कोड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है। ये एक 3-लेटर जियो कोड है जो एयरपोर्ट को उनकी लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे दिल्ली IGI का है DEL, मुंबई CSMI का है BOM और बेंगलुरु AAI का है BLR। हर एयरपोर्ट का यूनिक IATA कोड होता है। इसको यूनिक रखने के 2 मेन रीजंस हैं। पहला, एयरपोर्ट के पूरे नाम की जगह सिर्फ एक 3-लेटर वर्ड इस्तेमाल करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एयरपोर्ट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। जैसे एविएशन में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पूरा बोलने के बजाय सिर्फ HYD इस्तेमाल करने से इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्पेशली एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब पायलट्स कंट्रोलर से बात कर रहे होते हैं तो काफी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं और हर चीज का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिससे ऑपरेशन इतना लंबा नाम बोलते हैं जरूरी भी होता है उस स्ट्रेस सिचुएशन में जब बहुत सारी फ्लाइट्स को कुछ कंट्रोलर्स ही हैंडल कर रहे होते हैं। एक ही सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट्स होने से उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। उसमें भी यूनिक IATA कोड असाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट का कोड है LHR, गैटविक का LGW और सिटी एयरपोर्ट का है LCY। RJ एयरपोर्ट पर वापस आते हैं। ये 5500 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें सिर्फ 2000 एकड़ पर ही एयरपोर्ट बना है 1700 एयर साइड और 300 लैंड साइड के लिए। जो बाकी 3500 एकड़ लैंड है उसे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखा गया है जिसमें 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी इस एयरपोर्ट में 2 एक्टिव रनवेज हैं, एक 0927L 4.2 किलोमीटर लंबा और दूसरा 0927R 3.7 किलोमीटर लंबा। रनवे काफी बड़ा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380 भी यहां पर लैंड हो सकता है। पहला रनवे 2008 में खुला और दूसरा 0927R 2012 में। इनॉग्रेशन के समय ये साउथ इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था जहां 2 पैरेलल रनवेज थे। दूसरे रनवे को तभी यूज किया जाता है जब एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज्यादा हो या फिर प्राइमरी रनवे पर कोई मेंटेनेंस चल रही हो। 2011 में स्पाइसजेट ने RJI एयरपोर्ट को उसकी कन्वीनियंट लोकेशन की वजह से अपना रीजनल हब बना लिया था और यहां से अब अपना नया बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने लगे। 2015 में जब ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ने लगी तो सेकंड फेज का काम भी शुरू कर दिया गया जहां एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल जो 2008 में खुला था वो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को ही हैंडल कर सकता था। तो भैया हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद एयरपोर्ट देखकर पता चल रहा है कितनी स्ट्रगल डेवलपमेंट करने के लिए। इंडिपेंडेंस से पहले निजाम का कंट्रोल था, ऐसा लग रहा है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैदराबाद का निजाम ने बनाया था अपने लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने ठाट बाट के लिए। निजाम था वो रूलर ऑफ दिस प्लेस और उसके बाद फिर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने रॉयल एयरफोर्स का बनाया तो वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद जब उनका बेगम
पेट जो भी है वो लगा कि साइज में छोटा पड़ रहा है, तो फाइनली उन्होंने कोशिश की बाहर बनाया जाए, बाहर बढ़ाया, विच इज़ अमेजिंग। और फिर उन्होंने डील की कि अब ये हमारा जो है उसके 150 रेडियस में है, कोई और नहीं होना चाहिए। उनको ये था कि अगर हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो हमारा बिजनेस है, सब लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बिजनेस है, अगर ये मतलब आसपास को एयरपोर्ट आ जाता है तो इस एयरपोर्ट की फिर बिजनेस कम हो जाएगा, इट विल बी प्रॉब्लमिस्टिक। तो उन्होंने 150 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ बंद करवा दिया, पुराना वाला बंद हो गया, नया वाला था शुरू हो गया। मगर जो पुराना वाला बंद किया है उनके एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप नए वाले यहाँ पे आ जाओ, पहले से ट्रेंड हैं सब हैं, तो अब तुम नए लोगों को जॉब से निकालना नहीं चाहिए था, उनको अकोमोडेट करना चाहिए था नए रोल्स में। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी हिस्ट्री में परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो निकालने की जगह उनको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाना। इसमें मलेशिया कैसे आ गया, मुझे भी नहीं समझ आया। मगर अच्छी बात उन्हें वही है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट एज फार एज टाइम इज कंसर्न, टार्डी इज कंसर्न, मतलब कोई लेट नहीं होती, फ्लाइट सब अच्छे आते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और मेरे ख्याल से कह रहे हैं सदर्न इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी था, और मेरे ख्याल से लुफ्तांसा आई थी फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, तो वेरी नाइस टू हियर। और फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ऑफकोर्स जैसे जैसे सिटी ग्रो करती है तो ये भी ग्रो करता है। बिल्कुल, तो चलो यार अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।